लोकसभा चुनाव को लेकर भले ही नालंदा जिला में आदर्श आचार संहिता लागू है, लेकिन लूटपाट की घटनाएं लगातार बढ़ते जा रहा। ताजा मामला नालंदा जिला के हरनौत थाना क्षेत्र के भीमपुर गांव के पास का है, जहां अज्ञात अपराधियों ने लूटपाट का विरोध करने पर किराना व्यवसायी को गोली मारकर हत्या कर दिया। घटना के संबंध में मृतक ने भाई ने बताया कि किराना व्यवसायी अशोक साहु अपने मोटरसाइकिल से सकसोहरा का उधार पैसा तगादा करने के लिए गए थे। तगादा कर घर लौट रहे थे, इस दौरान भीमपुर गांव के पास अज्ञात बदमाशों ने मोटरसाइकिल रुकवा कर लूटपाट करना शुरू कर दिया। विरोध करने पर बदमाशों ने व्यवसायी को सीने में गोली मार दी, जिससे उनकी मौत हो गया। बदमाश ने डिक्की में रखे हुए पैसे भी लेकर फरार हो गया। पुलिस घटना स्थल पर से खोखा बरामद किया है। आक्रोशित लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग किया है। घंटों बिहार शरीफ बख्तियारपुर मुख्य मार्ग पर जमकर हंगामा किया। पुलिस के आश्वासन के बाद इस जाम को छुड़ाया गया है। सकसोहरा से कलेक्शन करके आ रहे थे तेल रिफाइन और आटा मैदा का। हम ये होलसेलर थे। अच्छा, वहाँ सकसोहरा टोटल दुकानदार को माल देते थे, वहाँ से कलेक्शन करके आ रहे थे। अभी इनको बीरमपुर सोझे थाना वाला तो बोले भाई बीरमपुर सोझे की जो इनको गिरे हुए मैंने हम लाए, तो लूटपाट के दौरान इनको गोली मार के गिरा दिया होगा, तब लूटा होगा, चाहे लूटला के बाद गोली मारा होगा। गोली मार दिया है इनको, लूट लिया है। अच्छा, तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल कुमार हुआ। भाई हुए आप? हाँ, उनका छोटा भाई हुए। क्या लूटपाट और गोली मारना, व्यापारी तो सुरक्षित है नहीं, प्रशासन पेट्रोलिंग करता नहीं है ढंग से, खाली दारू वाला के खाली खोजले चलता है। व्यापारी असुरक्षित है, जो रेवेन्यू देता है मैंने लाखों लाख रुपया टैक्स गवर्नमेंट को भरता है, उसको कोई सुरक्षा नहीं है। फॉर्चून का धाथी का मतलब गल्ला का ये आटा मैदा का ये होलसेलिंग बिजनेस करते थे, और ये सकसोहरा बाजार गए थे तगादा करने के लिए, वहाँ से लौट रहे थे। कुछ अपराधी तत्व इनको मतलब कि पकड़ कर करके और इनका लूटपाट किए हैं और उनको गोली मार के हत्या कर दी है। तो क्या लगता है कि लूटपाट के दौरान विरोध करने पर गोली मारी है? हाँ, लूटपाट के दौरान इनको हाथापाई हुआ होगा और उसी दौरान इनको गोली मार दिया गया। और आप लोग सूचना कब मिली थी, कैसे मिली? हम लोग को सूचना पुलिस के द्वारा मिली, और हमारे सूचना तो हमारे परिवार के द्वारा मिली, इन लोग का सूचना घर पर।